ये कहानी है शिवन्या की नौकरानी बानी की। शिवन्या अपने पति ऋतिक के साथ मुंबई में रहती थी। उनका घर काफी आलीशान था। ऋतिक एक बिजनेसमैन के तौर पर काफी सफल हो चुका था और इस वजह से वो शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन में गिना जाता था, जिनका घर बेहद आलीशान था और इसलिए उनकी लाइफस्टाइल का भी कोई जवाब नहीं था। तभी शिवन्या अपने पति से कहती है कि हमारा घर बहुत बड़ा है, मैं अकेले घर की साफ सफाई नहीं कर सकती, हमें अब घर में नौकरानी रख लेनी चाहिए। ऋतिक शिवन्या की इस बात से सहमत हो जाता है। अगले दिन शिवन्या अपने घर में नौकरानी के तौर पर बानी को रखती है। बानी काफी गरीब थी पर उसका जिद्दीपन किसी अमीर से कम नहीं था। वो हर बात को लेकर काफी जिद्दी थी। हालांकि वो शिवन्या के घर का पूरा काम करती थी, झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाना, कपड़े धोना, सभी काम अच्छे से करती थी, लेकिन वो हर एक बात को लेकर काफी जिद्दी थी। उसने शिवन्या से कहा कि घर में अगर फैसिलिटी होगी तभी मैं काम कर सकती हूँ, मुझे नई नई टेक्निकल मशीनों की जरूरत है और अगर वो नहीं होगी तो मैं काम नहीं कर सकती, तो ये तुम्हें खुद अपने आप करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक तो शिवन्या बानी के इस नखरे को खूब झेलती है और उसकी हर जिद को पूरा करती है, पर कुछ समय बाद बानी की जिद को पूरा करना शिवन्या के लिए मुश्किल हो जाता है। तभी वो ऋतिक से बात करती है और कहती है कि हमें अपनी नौकरानी बदल लेनी चाहिए, वो बहुत जिद्दी है और पूरा काम भी नहीं करती, घर का आधे से ज्यादा काम मुझे खुद करना पड़ता है। तभी अगले दिन शिवन्या बानी को उसके पैसे देती है और उसे घर से निकाल देती है। बानी भी अपने नखरे और जिद्दीपन की वजह से शिवन्या को ताने कसते हुए वहां से चली जाती है। काफी दिन बीत जाते हैं, बानी को कहीं दूसरी जगह काम नहीं मिलता और अब लॉकडाउन भी लग चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। लॉकडाउन की वजह से कोई अपने घर में नौकरानी को नहीं रख रहा था। तब उसे एहसास होता है कि उसने अपने जिद्दीपन की वजह से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है। अगर वो अपने जिद्दीपन को काबू में रखती तो शायद लॉकडाउन में भी शिवन्या के घर में उसे काम मिल सकता था। तभी वो अपनी इस गलती का एहसास करते हुए शिवन्या के घर वापस जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैम साहब, मुझे अपने घर में नौकरानी के काम के लिए रख लो, जिद्दीपन की वजह से मैं पाई पाई के लिए मोहताज हो गई हूँ, अब मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका है, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। तभी शिवन्या मानवता दिखाते हुए उसे माफ कर देती है और लॉकडाउन में भी उसे अपने घर में काम करने के लिए रख लेती है और उसे उसके काम के बदले सैलरी देने के साथ साथ कुछ जरूरतों की चीजें भी प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों, देखा आपने आपका जिद्दीपन आपके लिए ही कितना खतरनाक हो सकता है। वेल, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।